यहाँ से छिल गया ये, तो माला पहन आई है ये वाली, पता नहीं कौन सा कपड़ा ये चुभ रहा है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल द व्लॉग्स। तो कैसे आप, आई होप कि गाइस सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज है 9 फरवरी और फाइनली गाइस आज है शादी, तो बारात पे जाएंगे। उससे पहले अपने पैर को दिखा के लाते हैं, पैर को दिखाने से पहले नाश्ता करके आते हैं। मतलब 10 बज गए हैं और मैं अभी सो के उठा हूँ, मतलब नाश्ता खत्म ना हो जाए तो जल्दी चलते हैं, पहले नाश्ता करके आते हैं तो उसके बाद पैर दिखा के लाते हैं। और आज नहाऊंगा, मतलब कल नहीं नहाया था, कल मैंने मुंह हाथ धोए थे सिर्फ, आज नहा के बढ़िया तैयार होके फिर बारात में चलेंगे। तो गाइस एक बार ना कपड़े चेंज करते हैं, मतलब मैंने लोअर और टी शर्ट पहन रखी है, तो नाश्ता करने जा रहे हैं ना तो कुछ पहन के जाना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाले पहन लेता हूँ। मैंने 2 जोड़ी कपड़े प्रेस कराए थे ना, एक बार इमरजेंसी में पहन लेता हूँ ये वाले, एक मेरी जींस की पैंट है नीचे। तो गाइस अभी टेम्परेरी सा रेडी हो चुका हूँ, मतलब ये पैंट शर्ट पहन लिए और आके इनको खोल दूंगा। मेरी शक्ल से लग नहीं रहा होगा, मतलब मुंह हाथ धो के आ रहा हूँ, अभी भी नींद लग रही होगी आंखों में, बट भी क्या ही कर सकता है, पानी गर्म कर रखा है, जब तक नाश्ता करेंगे तब तक पानी भी गर्म हो जाएगा। तो गाइस मैं तो अपना नाश्ता लेकर साइड में आ गया हूँ, मतलब खड़ा होकर खाया नहीं जाता, इधर बैठ के खाऊंगा आराम से। अभी निकलते हैं, नानी जी आए थे बुलाने के लिए, नानी जी तो निकल गए मुझे छोड़ के पीछे। तो गाइस अभी आ गया हूँ घर पे, और ना मेरे इस हाथ में भी दर्द हो रहा था, बट मैंने जैसे उनको दिखाया ना, उन्होंने मतलब क्या किया, एकदम से हाथ से दर्द ही गायब हो गया एकदम से। फिलहाल अभी नहाते हैं, पानी गर्म करके गए थे नानी जी। अरे गैस तो बंद पड़ी है यार, बस गैस बंद पड़ी है। तो गाइस नहा के आ गया हूँ और ये देख लो कुछ ऐसा लग रहा हूँ, मैं शीशे में दिखाता हूँ आपको। तो मैंने ना शर्ट अंदर दबा ली है, बाकी अब जैसे भी ये सही है। फिलहाल अभी 1 बज गए दोपहर के, नानी जी वहीं पर ही हैं और बारात में जाने की तैयारी है, और मेरे बाल हमें ना मतलब मैंने तेल लगाया तो है बट लग नहीं रहा ऐसा लगाया कि नहीं। और हाँ गाइस यहाँ से ना मैं अकेले जा रहा हूँ बारात में, एंड देखते मैं कितना बोर होता हूँ क्या होता हूँ। तो गाइस अभी बाहर चलते हैं, बाहर है ना बैंड बाजे बज रहे हैं और यहाँ पर निकासी निकलती है दूल्हे को लेकर, मतलब हमारे वहाँ पर ना जागो कहते हैं पंजाब में, एंड यहाँ पर ना निकासी कहते हैं, दूल्हे के साथ ऐसे घूमना होता है, मतलब एक राउंड लगा के आएंगे ऐसे, फिर उसके बाद बारात निकलेगी। होती है तो वो करेंगे नानी जी और गेट खोलकर। शाम के 4 और फिलहाल अभी बारात के लिए निकलते हैं, और ये मैंने ना कोट पहना मामा जी का, बताना कैसा लग रहा है। बाकी ठीक है नानी जी, हाँ। पैर ठीक, अकेला जा रहा हूँ मिशन पर। बाकी बस आ गई है बाहर, शूज पहनते हैं। तो गाइज अभी हम रुके हैं रास्ते में, यहाँ से ना एक साथ जाएंगे धर्मशाला की तरफ, मतलब यहाँ पर गाड़ियाँ रुकी हुई है और मैं गाड़ी में आया हूँ। पहले तो बस में आने का प्लान था बट तैयार होने में ना बस निकल गई आगे, तो गाड़ी में आना पड़ा। बाकी अभी रुकते हैं यहाँ पर,
देन उसके बाद इनके साथ ही चलेंगे आगे। खोले वो बारात लेके तो आ गए हैं, यहाँ पर स्वागत होगा। तो गाइस ये है धर्मशाला एंड यहाँ पर स्टे होगा, मतलब यहाँ पर ही होगा सब कुछ। तो गाइस बाहर आना बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो इसलिए मैं बाथरूम में आया व्लॉग बनाने के लिए। मतलब तो अभी भी इतना शोर आ रहा है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मेरे ना पैर में ये छिल गया, इस शूज़ की वजह से ना ये छिल गया पैर, तो है ना मैंने अभी ऐसे कर लिया और ना यहाँ पर टिशू दबा लिया, टिशू भी अंदर ही है। फिलहाल अभी हल्का फुल्का थोड़ा नाश्ता किया है, देन उसके बाद बाहर चलते हैं अभी। सो गाइस अभी हम आ गए हैं मैरिज गार्डन के अंदर और यहाँ पर स्टेज लगा हुआ सामने एंड खाने पीने का प्रोग्राम यहीं पर होगा, बाकी वो सामने है क्या कहते हैं इसको रिफ्रेशमेंट जो भी आप लगा लो। फोटोशूट चल रहा है भाई प्रोफेशनल। ये पीछे धर्मशाला है, अंदर थोड़ा सा हमने खाना वाना खाया और जो मेरे पैर है ना ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से छिल गया ये तो ना बहुत ज़्यादा दर्द मार रहा है। ये किसका पेड़ है गैस करो, पपीते का शायद, ये नारियल का है, पर इस पर नींबू क्यों उग रहे हैं यार। बोरियत से दूर होने के लिए मात्र एक सहारा है वो भी ये बच्चा, मतलब इसी के साथ घूम रहा हूँ वरना अकेला तो मैं बोर हो जाता। स्टेज सज रहा है यहाँ पर डांस का, यहाँ पर सामने बैठेंगे दूल्हा दुल्हन। और भाई क्या हाल है? अच्छा अच्छा है, नाम तो बता दे अपना। वो भैया देख कहाँ पर चढ़े हैं स्पाइडरमैन। गाइस ये वाली जो लाइट है ना ये जो इधर उधर हो रही है ये सिर्फ देखने को अच्छी लगती है, आँख में पड़ती है ना काफ़ी इरीटेट करती है। यहाँ पर जूते खोल के बैठते हैं थोड़ी देर यार, शांति मिलेगी पैरों को। तो गाइस अभी ना पीछे ढोल बज रहे हैं और हम बैठ गए यहाँ पर अपनी सीट लेकर, यहाँ पर बैठेंगे यहाँ से देखेंगे अपना। चलते हैं साफा बनवाने के लिए। कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है वैसे, और मतलब काफ़ी चुभ भी रहा है, पता नहीं कौन सा कपड़ा ये चुभ रहा है बट अभी चलो सही है जो भी है। आजा छोटू ने भी बनवा लिया इतने से सर पे इतना बड़ा साफा। अभी बैठते हैं वहाँ पर सामने चलते हैं। आज है नेक्स्ट डे और रात को मैं आ गया था शादी से जल्दी घर पे, क्योंकि फेरे थे ना जो सुबह 5 बजे के थे तो ना मैं रात को रुका नहीं। और गाइस दूसरे रिश्तेदार आ रखे थे वहाँ पर तो मैं उनके साथ जल्दी आ गया घर पे और आके सो गया और बहुत ज़्यादा थक गया था, मतलब रात में चल चल कर ही। गाइस सॉरी मैं आपको मतलब शादी दिखा नहीं पाया, वैसे आज रिसेप्शन है तो मेरा आज व्लॉग बनाने का मन नहीं है। तो गाइस इस व्लॉग करते हैं फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वो लोग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक लीजिए।